सब्सक्राइब कीजिए टेक चाहत को, बेल आइकन दबाइए टेक की बातें जानने को। चलिए दोस्तों, मैं ले आया हूँ आपके लिए बहुत ही जबरदस्त आज की टेक न्यूज, यानी कि आज की टेक की बातें। आज की टेक की बातें से रील नंबर हैशटैग नंबर। आज भी दोस्तों आपको बहुत सारी अमेजिंग न्यूज देखने को मिलेगी फोन के बारे में एंड कुछ एप्स के बारे में एंड कुछ लीक्स एंड रूमर्स भी आपको मिलेगी। मेरा नाम है चाहत, आप देख रहे हैं टेक चाहत, आइए करें टेक से प्यार। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज यानी कि टेक की बात है, आज थोड़ा जल्दी आ रही है क्योंकि 9 बजे आज लॉन्च हो रहा है ROG 3 फोन। तो दोस्तों उसकी भी फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट इंप्रेशन आपको मिलेगी हमारे चैनल में भी, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आप थोड़ा टाइम रहे और दोनों वीडियो को हमारी एक साथ देख पाए। एक छोटी सी टेक न्यूज हमारे चैनल की भी, अगर दोस्तों आपको आती है हमारी वीडियो पसंद तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप लाइक मत करिए, पूरी लास्ट तक जरूर देखिए, लेकिन नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको पता है आधे से एक घंटे के अंदर क्या होता है, मेरी तरफ से हार्ट एंड रिप्लाई तो मिलते ही हैं जो कमेंटर रहते हैं। दोस्तों अभी तक वैसे LCD स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं आया, लेकिन एक चाइनीज कंपनी है उनने आज लॉन्च कर दिया है, उनने मल्टीपल LCD स्क्रीन में फिंगरप्रिंट दिखाया है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह में जहां भी उनके पॉइंट है, आप हर स्क्रीन में कहीं भी टच करेंगे जहां उनके पॉइंट है वो अनलॉक होगा आपका फोन। दोस्तों हमें अच्छी चीज देखने को मिलती कि LCD स्क्रीन में मल्टीपल फिंगर पॉइंट है वो भी इन डिस्प्ले में। तो दोस्तों ये अभी इस ईयर के लास्ट में हमको ये शायद देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा और कोई भी फोन हमें जो LCD स्क्रीन में ऐसा ही देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आपको जैसा ही पता है कि सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट होने वाला है 5 अगस्त को, लेकिन एक और इवेंट सामने आया है कि वो 2, और जो एक और इवेंट है वो होने वाला है 2 सितंबर को। उन्होंने कहा है कि इसमें जो स्मार्ट अप्लायंस है सैमसंग के वो लॉन्च करेंगे हम लोग। तो दोस्तों पता चला है कि जो इनके अप्लायंस होते हैं जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनमें भी इन लोग इंटरनेट की कनेक्टिविटी देने वाले हैं, जहां तक तो अच्छी बात है। तो ये जो अप्लायंस है ये स्मार्ट अप्लायंस कहला जाएंगे, अब देखते हैं आने के बाद, हम भी देखेंगे और आप भी देखिएगा। तो दोस्तों जो हमारा Note 20 अल्ट्रा था वो 5 अगस्त को लॉन्च होने वाला, आपको पता ही है, और उसकी एक फोटो निकल के आई है सामने। पीछे की तरफ हमको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है और 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जहां तक रेंडर से रूमर्स की द्वारा पता चला है। और आगे से आप लोग देखोगे उस फोन को तो एकदम स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है, और आपको दिख ही रहा होगा कि कर्व्ड स्क्रीन उसमें दिख रही है और डिस्प्ले इन्फिनिटी ओ में दिख रही है हमको स्क्रीन, और इसमें एस पेन वगैरह हमको देखने को मिलता है बड़ी स्क्रीन का होने वाला है, और डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जब ये लॉन्च होगा तो इसकी फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट इंप्रेशन आपको मिलेगी हमारे इसी चैनल पे। और दोस्तों वैसे एक बात और बता दूं, जो Asus का Zenfone 7 था और Zenfone 7 Pro था वो लिस्ट हो गए हैं, वो सब आने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही में ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो गई है EEC के एक वेबसाइट में, लिंक लिस्ट हो चुके हैं अभी तक, और जो Zenfone 7 है वो 865 पे होगा, जो Zenfone 7 Pro है वो 865+ में होने वाला है। अब देखते हैं इसका भी प्रोसेसर क्या आता है, अभी हमारे सामने तो आएगा जब भी पता चलेगा, जब इसका फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट इंप्रेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी है और AMOLED स्क्रीन के साथ आने वाला है। अब ये नहीं पता कि इंडिया में ये कब आएगा, इंडिया में कब तक आता है ये देखते हैं, आई एम वेटिंग फॉर इट। और दोस्तों एक न्यूज और आई है जो आज फर्स्ट सेल में गया था, Realme C11 आज उनने लिस्ट कर दिया है, आज उनका जो फर्स्ट सेल थी आज उसमें उनके कितने फोन के यूनिट बिके।
तो उनने ट्विटर में ये ट्वीट कर दिया कि उनने फर्स्ट सेल में 1.5 लाख+ यूनिट बेचे हैं अपने रियलमी C11 के। अब दोस्तों ये चाइनीज फोन है, आपको पता ही है इंडिया वर्सेस चाइना की क्या वॉर है, लेकिन हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं है उसी प्राइस रेंज में कि जो अपने इंडियन ब्रांड है वो कुछ ऐसे प्राइस में ऐसे फोन निकाले तो हम उनको खरीदे। लेकिन अभी क्या करें, हम भी मजबूर हैं इसलिए हमें भी चाइनीज फोन ही खरीदना पड़ता है। तो दोस्तों रेडमी नोट सीरीज 10 जो होने वाला है, सक्सेसर होने वाला है नोट 9 का, सक्सेसर होने वाला है नोट 10 सीरीज, तो ये भी आज लिस्ट हो चुकी है। अभी एक वेबसाइट में ये भी लिस्ट हो चुकी है और उसमें क्लियरली दिख रहा है इसका प्रोसेसर वो डायमंड 2820 पे लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों ये पहला फोन होगा नोट सीरीज का जो डायमंड सिटी 820 में आएगा। और ये जो डायमंड सिटी का चिपसेट है इज रियली गुड एंड रियली पावरफुल प्रोसेसर। अब दोस्तों एक न्यूज और हमारे सामने निकल के आई है कि पोको C3 भी लॉन्च होने वाला है। अब ये दोस्तों हमें नहीं पता रेडमी के नाम से अगर लॉन्च करता तो क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन हमें नहीं पता ये क्यों ऐसा कर रहे हैं पोको वाले। और दोस्तों ये रीबेस्ट फोन है, रीब्रांडेड फोन है और री थप्पे वाला फोन है क्योंकि ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था Redmi C9 के नाम से जो हुआ था। अब ये इसका नाम बदल के इंडिया में लॉन्च हो रहा है Poco C3 के नाम से। और ये बेसिकली एंट्री लेवल फोन होने वाला है, यानी कि 10,000 रुपए के आसपास ये होने वाला है। और दोस्तों रूमर्स एंड लीक्स कुछ ऐसे आ रहे हैं कि पोको का एक और नया फोन आ जाए जो शायद रीब्रांडेड नहीं हो, वो शायद पोको का एक और फोन आ जाए। और दोस्तों ये जो पोको जो अभी बात हो रही है कि बिल ऑनलाइन ही बात हो रही है, सोशल मीडिया में बात हो रही है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर ये आता है तो ये फ्लैगशिप लेवल के फोन में होगा। आने के बाद देखेंगे क्या करना है इस फोन के बारे में, देखेंगे इसके फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट इंप्रेशन। तो चलिए दोस्तों यहीं पे आज की टेक न्यूज यानी कि टेक की बात नंबर 4 खत्म होती है यहीं पे। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वंदे मातरम।